मेरा जुकाम हल्का हल्का उतर रहा है और इधर जा रहा है। मेडिसिन रखी थी वो खत्म हो गई, वरना मैं फौरन ले ले। अब ले आओ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी है और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सीधा दोपहर से। सुबह से काम में बिजी थे और अभी भी काम में बिजी होना है फिलहाल, लेकिन सोचा अब उठा लेते हैं कैमरा, है ना भाई। बात में दम है कि नहीं? बात में दम है तो ठीक है भाई साहब। मम्मा जल्दी से लगा रही है खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो देखो गिर गया, देखो। और बाकी यहाँ पर कुछ कबाब भी बच गए हैं। हमने खीर और नहीं खा भाई अपने जुकाम के चक्कर में। मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे आप खीर ही दे दो, चीर बाद में दे देना। यहाँ पर खीर निकल कर आ रही है, अब तो खाऊंगा चाहे जुकाम हो चाहे कुछ हो। मुझे गरम कर दी इसी वजह से, जुकाम चुकाम हो। निकल कर आ चुकी है खीर, चलो जल्दी से। ये लो भाई साहब, चलो टेबल पर खाना लग चुका है, जल्दी से खाते हैं। लगा रही थी थक गए, प्रेस लगाते लगाते। हाँ ठीक है, मन लगाना है क्यों नहीं, कौन लगा देगा। हाँ इस वजह से कोई सब्जी वब्जी तो बना नहीं भाई, जो रखा उसी में काम चला रहे हैं। सही है, और क्या, निपटाओ सब्जियां अपनी। और ये भी सामान निपटना चाहिए भाई, फेंकने से तो बेहतर है। क्यों फेंकेंगे, लोग फेंक देते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। हम नहीं फेंकते हैं, हम तो देते हैं। ओके भाई साहब, फेवरेट चीज निकल कर आ चुकी है, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं खाना, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा लेट कर आराम कर लिया और काम भी कर लिया, और अब हो चुका है रात का वक्त। और यहाँ पर देखो जो मुझे बुखार चढ़ा था ना, वो सॉरी जुकाम और बुखार चढ़ा था, वो अब असर जा रहा है मातेश्री की तरफ धीरे धीरे, जैसे कि आप देख सकते हैं सर में दर्द हो रहा है। मेरा जुकाम हल्का हल्का उतर रहा है और इधर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मेडिसिन रखी थी वो खत्म हो गई, वरना मैं फौरन ले ले। अब ले आऊं बाहर जाकर? नहीं वो मिल नहीं रही है ना जो खाती हूँ। अच्छा, स्टोर पे मिली ही नहीं, अब बाजार से मंगाना पड़ेगी। तो चलिए मम्मा को करने देते हैं आराम, मैं थोड़ी देर सोच रहा हूँ, दो चार दिन से अभी निकला नहीं हूँ लगातार बाहर, तो थोड़ी सी हवा खाया था बाहर से। क्या है याद अम्मा, जल्दी आना कहीं पर भी जाओ। ठीक है, थोड़ी देर मैं घूमाता हूँ और फिर आता हूँ। नहीं खाऊंगा भैया। ठीक है, एक आए हम जा रहे हैं बाजार चौराहे घूमने के लिए, चलिए आप भी। पिछवाड़े में टल जाए, कितना ट्रैफिक आ गया है यार यहाँ पर, कितना ट्रैफिक आ गया है, बहुत ट्रैफिक है। अरे वाह, नहीं है, अरे भाई साहब मेडिसिन ही नहीं मिल रही। चलो तो ठीक है भाई साहब, अभी आप देख सकते हैं हम घूम रहे हैं रोडों पर, अभी चलते हैं। अब अपना एटर रोड काफ़ी जगमगाने लगा है, चेयरमैन साहब ने मतलब पूरे एटर रोड पर काफ़ी अच्छा काम करा रखा है। वैसे एटर रोड जो है ना, मतलब कुछ ही लाइट्स लगी होती थी, ज़्यादातर अंधेरा रहा करता था इस साइड में, बाकी अब काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो भाई साहब फाइनली हम आ चुके हैं घर पर, और मम्मा के लिए दवाई भी लेने गए, दवाई ख़त्म हो गई लग रहा है, कहीं नहीं मिल रही किसी भी मेडिकल पे। अब क्या होगा मम्मा, हाँ सो वही क्या, अब हम खत्म हो जाएंगे। लो पकड़ो पैसे सुनो। तो भाई साहब जो मैं मेडिसिन लेने गया था, जो मम्मा को मतलब जो मम्मा खाती रहती हैं, तो वो वाली तो मिली नहीं, अब पापा को भेजा है मम्मा ने मेडिसिन लेने के लिए। फौरन कंट्रोल हो जाता था, अब पता नहीं है क्या हुआ, जकरिया के यहाँ तक भेजा, वहाँ भी नहीं मिली। मेरे हिसाब से तो बंद हो गई लगता है, मैंने बंटी की दुकान पे भेजा है, देखो आने वाले ही होंगे। ठीक है, इंतजार करते हैं उनके आने का। तो ठीक है भाई साहब, फिलहाल पापा मेडिसिन लेकर आ भी चुके हैं, इधर आप देख सकते हैं, और मामा के यहाँ से मंगवा ली है मम्मा ने मेडिसिन, अभी है इंशाल्लाह। मतलब बुखार महसूस हो रहा है, सब चीज बता दी, और गले में दर्द है, खांसी जुकाम है, सब कुछ, बहुत परेशानी है। लबिसी ये खा लेना, कह कर लाए थे इसको आपके तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो कह दिया ना, हाँ वायरस फैला देता है पूरे घर में, सबके लिए ले आए। नहीं तो आप ही एक खा लेना तो फायदा देगा। ठीक है ओके, सही है, इतनी सारी कल तक हो जाएगी, ऐसे मुझसे खाई तो नहीं जाती, गले में यहाँ पे फंस जाती है मेरे, खाना पड़ेगा मजबूरी, अब क्या करूँ, खाना पड़ेगी, उठा नहीं जा रहा, घर का काम कौन करेगा भाई, और क्या नौकर रखेंगे नहीं, नौकर का काम क्यों लेता है यार। हाँ आप सब्जियों में क्या क्या लेकर आए थे, मुझे दिखाए कल सुबह को क्या बनाऊंगी। अरे यार सब्जी भी मंगा ली, मुर्गा नहीं मंगाया, ये अल्लाह मुर्गा तो ये रखा है, सब्जी रोज रोज बना लेती हूँ, पिछली साल भी बनाई थी, क्या क्या उठा कर लेकर आए फिरते हैं। एक तो चारे लेके आए और क्या नहीं फिरते हैं, टाइम लगता है यार। हाँ तो ये बात सही है, तभी मैं कहता हूँ चिकन बना करो।
सब्जी है ये तो केले वेले तो ये सही किया, खत्म हो रहा है, तीन चार ही रह गए उसमें फ्रिज में। अच्छा ये भी सब्जी, केले आलू बना होगी, बड़े बड़े अंडे, ये क्या है इसमें तो सेम है भाई। सब्जी तो निकलने दी, फ्रूटी फ्रूट निकलना है। और ये अरे सब्जी सब्जी के अलावा सब चीज निकल आ रही है, सब्जी खत्म हो गई, सही है ये, अच्छा फ्रिज में रख देना। और फिर अब क्या निकलेगा, निकली सब्जी, अब निकली बैंगन, निकले बैंगन, बैंगन खेतों में जा करेंगे, हमें लग रहे हैं बाबा बैंगन अब जा करेंगे, मस्त मस्त जा खर्चा होता वहाँ नहीं जाएंगे क्या, सही है फ्री में काम चल जाएगा। अभी गाइस मैं आपको अभी से एक चीज बता दे रहा हूँ, कुछ सरप्राइज देंगे हम आपको, सरप्राइज देंगे, पूरा नहीं बताऊंगा। सही है चलो, ये परसों बना लूंगी। और देखो कौन सी सब्जी लेकर आए हैं आप, शिमला मिर्च लेके आया बाबा, शिमला मिर्च लाते हैं, वैसे मेरे कह नहीं रहे थे लाऊंगा, भिंडियां यानी कि कल यही बनाना है मेरे को, भरमा बनाना है, भरमा नहीं बनाऊंगी भाई, मैं तबीयत सही नहीं है, उसमें टाइम लगता है जी, देखो इसमें सही हो जाएगी वाली बनानी, कट कट करके, अब वो नहीं है पट 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 कर, उसमें टाइम लगता है, किसी से भी पूछ ले कोई अगर बनाता होगा तो ये जानता होगा, ज्यादा हो जाती है ना सब्जी इसकी, अब अब जाऊंगा शिमला मिर्ची लेके आऊंगा, ठीक है अदरक ठीक है, इतना सब कुछ ले आया पापा, और भी है इसके अलावा, और भी हो गया सामान ही सामान, बनाते रहो सब्जी, चाय पिया करेंगे भाई, देखो नजला जुकाम हो रहा है सबको, चाय बनाएंगे पता क्या, कल से सब्जियां खाएं, रोज सब्जियां बनाएंगे आप, ठीक है बहुत हो गया, सरप्राइज की बारी है, सब्जियां खत्म करने पड़ी आपको, चल ऐसी करता रहता सरप्राइज, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी करता रहता है, फालतू बात है, ये सच है 101% कुछ नहीं है सच, टेने ने 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 आदमी मजाक उड़ा रहा है कि मेरा, ए है गरीब और क्या। चलो खाना खाएंगे, अभी खा लेंगे, खाना तो तैयार रखा है भाई, अब अपना काम भी करेंगे, तो ठीक है भाई साहब, रात का जल्दी से खाना भी खा लेते हैं, यहाँ पर लग चुका है अपना, वही खाना है बिरयानी वगैरह सब निपट रही है, और फिर कल सब्जियों का नंबर है, निपट गया रहेंगे बेटा, तबीयत खराब हो गई वरना शाम में सब्जी बना लेती, हाँ चलो कोई बात नहीं है, अरे भाई सब लग रहा है, एक्सेप्टेड सब कुछ, बस मैं सुबह को सही हो जाऊंगी, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ, पैसा होता है लेकिन डाउन टू अर्थ है, वो डाल देंगे डिस्क्लेमर, ये बात काल्पनिक है और क्या, ऐसे करता रहता है, चलो ठीक है गाइस खाना खाते हैं और फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ देते हैं, ठीक है तो ठीक है भाई साहब, अब पढ़ देते हैं आप लोगों के कमेंट्स, यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं, सबसे पहला कमेंट है मेरी, यस गाइस, तो दिल्ली वाली खाला का कमेंट है, सबसे पहला कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कह रही है 2:53 पर भी बहुत, मैं भी बहुत डर गई थी, अल्लाह रहम फरमाए सब पर, तो हाँ बेशक आमीन, और साबिर अंसारी का कमेंट है, हाँ भाई मैं भी डर गया था, तो हाँ जी, फिर आकिब का कमेंट है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं हमारे यहाँ भी भूकंप आया था, अच्छा, फिर मुजीब मामा का कमेंट है, कह रहे हैं मुझे भी महसूस हुआ था, अल्लाह अपना रहम फरमाए, बिल्कुल आमीन, फिर नईम खान का कमेंट है, कह रहे हैं गंज में रहने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला आपका ब्लॉग ना आता तो हमें मालूम भी नहीं होता, अच्छा। बस अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, सही बात है, बहुत डर लग गया, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया है, यस, वैसे हमें पता ही नहीं चलता था, तो ठीक है गाइस आज के ब्लॉग को ये एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर भी कर, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।